नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चले बिना देरी की शुरुआत करते हैं सहारनपुर के खबरों के बुलेटिन की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जीते जी कर दिया स्कूल संचालकों के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान का अंतिम संस्कार, तीजी और तेरहवीं की भी पूरी तैयारी। देखिए कैसे उतारा अभिभावकों ने अपना गुस्सा। कोविड 19 में पिछले 3 महीने से लगातार हम फीस माफी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन शासन या स्कूल संचालक कोई भी हमारे तरफ ध्यान देने का काम नहीं कर रहा है। आज हम लोगों ने स्कूल संचालकों की के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान जी का अर्थी को सजाया, संवारा और उसका अंतिम संस्कार करने का काम किया। हम बड़े तरीके से टीचर भी करने का काम करेंगे और तैयारी भी करने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक कोई भी स्कूल प्रशासक शासन हमारा बात नहीं सुनता, मुख्यमंत्री योगी मोदी जब तक हमारी बात सुनने का काम नहीं करेंगे, हमें धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगर 13 दिन तक भी हमारी कोई मांग सुनने का काम ना हुआ, 24 तारीख को कलेक्ट्रेट का घेराव करने का काम करेंगे और उसके बाद हम लगातार इसी में लगे रहेंगे। राजस्थान के साथ जनपद में भी कांग्रेस के खिलाफ उठी आवाज। गुर्जर देवसेना के जिलाध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंक सचिन पायलट के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई में सहयोग देने की कही बात। गुर्जर एकता, गुर्जर एकता, जिंदाबाद, गुर्जर एकता, जिंदाबाद, गहलोत मर गया, हाय हाय, गहलोत मर गया, हाय हाय, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुर्जर देवसेना का जिला अध्यक्ष अजय चौधरी, मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं कांग्रेस सरकार का और सोनिया गांधी का और गहलोत जी का। उन्होंने हमारे युवा जोश, युवा नेतृत्व, गुर्जर समाज के युवा राजेश पायलट जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका, सचिन पायलट को। सचिन पायलट जी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान सरकार में और कांग्रेस पार्टी का जब तक जिला अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद उन्होंने इतनी मेहनत करी राजस्थान में कि प्रदेश में सरकार लेकर आए, परंतु उन्हें उनके हक से वंचित कर दिया गया। ये कहे का निर्णय, कैसा निर्णय है कांग्रेस पार्टी का? युवा जोश को उन्होंने पछाड़ दिया और गहलोत जो युवा नहीं है अब आखिरी पायदान पर बैठे हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया। गुर्जर समाज इसकी पुरजोर विरोध करता है और सड़कों पर होगा। यदि इस तरह पूरा आंदोलन किया जाएगा गुर्जर समाज की तरफ से, गली गली में, कूचे कूचे में आंदोलन चलाया जाएगा और पूरा गुर्जर समाज संगठित है और संगठित रहेगा। जय गुर्जर समाज। कोतवाली बेहट के गांव पिठोरी के एक बाग में आम के पेड़ से लड़का मिला युवक का शव। क्षेत्र में फैली सनसनी, एसपी देहात अशोक कुमार मीना ने दी पूरे मामले की जानकारी। आज सुबह करीब 6 बजे यूपी 112 से एक सूचना आई थी कि बेहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिठोरा गांव में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ है। मौके पर तुरंत जाकर फोरेंसिक टीम को बुलाकर शव को कब्जे में लिया गया, सारी वैधानिक कार्रवाई की गई। साथ ही साथ जो मृतक है उसके परिजन को बुलाया गया। मृतक की पहचान अर्जुन सनो मोमचंद जो कि नाजिरपुरा का रहने वाला है, बेहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत के रूप में हुई है, जो कि देहरादून में रहकर काम करता है। ये कल ही यहाँ पर शाम को 5-6 बजे देखा गया था गाँव में, उसके बाद नहीं देखा गया था। प्रथम दृष्टया जो मैटर है वो सुसाइड का नज़र आ रहा है। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भेज दिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हिंदू जागरण मंच महानगर द्वारा किराना सिद्धपीठ मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिवरात्रि पर्व को घर में रहकर मनाने की गई अपील। पवित्र सावन मास में जनमानस की अपेक्षाओं का और भावनाओं का, मान्यताओं का सम्मान करते हुए इस पवित्र सावन मास में जहां देश और विदेश में श्री भोलेनाथ जी की शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है, पहले भी मनाया जाता रहा और आज भी इस समय भी कैसा भी
समय हो पर मनाया जाए। लेकिन इस प्राकृतिक दैविक भौतिक आपदा को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्वानों ने, प्रभु प्रेमियों ने, गणमान्य व्यक्तियों ने, सम्मानित समाज ने यह निश्चय किया है कि शासन और प्रशासन की बात को अपने हित में मानते हुए पूर्ण संत समाज की ओर से आप लोगों से यही करबद्ध प्रार्थना है कि भीड़ से बचें, अपने आप को बचाएं, दूसरों को बचाएं और भोलेनाथ जी की आराधना उन्हें अंतर्यामी जानते हुए उनकी पूजा और अर्चना करें। रामपुर मनिहारन के नवनियुक्त उप जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे से मिलने पहुंचा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन। आज रामपुर तहसील में नवागंतुक जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे जी से शिष्टाचार भेंट हुई है। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि पत्रकारों के हित में जितना भी वह सहयोग होगा उतना सहयोग किया जाएगा और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को वो बहुत भलीभांति से जानते हैं और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पत्रकारों के लिए हर समय वो तैयार होने की। प्लास्टिक के विरुद्ध नगर निगम ने चलाया अभियान काटे चालान। नगर निगम सहारनपुर द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग्स, थर्माकोल से निर्मित सामग्री के खिलाफ मानक मऊ के सब्जी मंडी, जामा मस्जिद आदि जगह पर अभियान चलाया गया। वे विक्रेताओं से पॉलिथीन को जब्त कर कुल 4,800 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हुए अवैध पशु पैट माफिया। आपको बता दें, कैराना में करीब 15 दिन से दबंगों द्वारा अवैध रूप से पशु पैट चलाई जा रही थी, जिसमें पशु व्यापारियों से अवैध उगाही की जाती है। सूचना पर पुलिस ने अवैध पशु पैट पर छापा मारा तो माफिया पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक 5 दिन पहले भी पुलिस ने अवैध घुस पैट पर छापा मारा था, जहां से करीब 26 लोगों को गिरफ्तार कर शांति भंग की आशंका में चालान भी किया गया था। आज फिर सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुछ अवैध दुकानों को हटाने के आदेश देते हुए अवैध पशु पैट चालकों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। नगर निगम के वृक्षारोपण अभियान में रेलवे भी आया आगे। सहारनपुर को कार्बन न्यूट्रल बनाने की नगर निगम की मुहिम जन आंदोलन बन रही है। मुहिम से जहां पार्षद और शैक्षिक संस्थाएं लगातार जुड़ रही है, वहीं विभिन्न सामाजिक संस्थाएं और अनेक पर्यावरण प्रेमी भी आगे आ रहे हैं। निगम की इस मुहिम से रेलवे भी जुड़कर आगे आया है। रेलवे ने नगर निगम को पत्र लिख रेलवे की खाली भूमि पर वृक्षारोपण करने का निमंत्रण दिया, जिस पर नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह और रेलवे अधिकारियों द्वारा रेलवे कॉलोनी में वृक्षारोपण किया गया। दिन दहाड़े ठेली चालक के साथ की मारपीट, 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मिली जानकारी के मुताबिक कैराना के बाईपास पर आशु नाम का एक व्यक्ति बिरयानी की ठेली लगाकर बिरयानी बेच रहा था। इसी दौरान गाँव के 3 युवक आकर उससे पैसे मांगने लगे। इनकार करने पर तीनों युवकों ने आशु पर हमला बोल दिया और धारदार हथियार से वार कर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने घायल को CSC में भर्ती कराया। साथ ही तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। अतिक्रमण पर सख्त, जिला प्रशासन अतिक्रमण लगाने वालों को दी गई सख्त हिदायत। DM व SSP द्वारा एक बार फिर नगर क्षेत्र के थाना कोतवाली नगर व थाना सदर बाजार के अनेक स्थानों से पैदल गश्त करते हुए अतिक्रमण हटवाया गया। साथ ही अतिक्रमण लगाने वालों को सख्त हिदायत भी दी गई। आपके शहर सहारनपुर की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे सिटी वेब न्यूज के साथ। तब तक हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।